नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। कोरोना काल में सबसे ज्यादा चोट जिस पर लगी है वो है रोजगार। देश में पहले ही बेरोजगारी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जो रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए हैं। देश में बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ा है। वहीं सरकारी पदों पर हो रही भर्ती में देरी से देश का युवा नाराज है, तो वहीं सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में किया जा रहा निजीकरण लोगों को परेशान कर रहा है। अर्थव्यवस्था को गति देने और विकास के नाम पर मोदी सरकार द्वारा लगातार निजीकरण को बल दिया जा रहा है। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर क्यों निजीकरण को लेकर लोग परेशान हैं। सरकार आज लगभग हर क्षेत्र में निजीकरण पर जोर दे रही है, जो आने वाले समय में देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा देगी जहां देश की आम जनता के हितों को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। देश का गरीब पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगा। वहीं इतिहास गवाह है कि देश में जब भी कोई संकट आया है, सरकार ने मदद के लिए सरकारी तंत्र को आगे किया है। बहुत पीछे ना जाए तो कोरोना काल में भी इसका उदाहरण देखने को मिल जाएगा, जब कोरोना महामारी के चलते विदेश में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने की बात आई तो सरकार ने वंदे मातरम मिशन चलाया। इस मिशन की कमान सौंपी गई एयर इंडिया को। कोरोना काल में दुनिया के कई देश में भारत ने राहत सामग्री पहुंचाई, उसके लिए भी याद किया गया एयर इंडिया को, लेकिन अब यही एयर इंडिया बिकने की कगार पर है। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की, जिसने इस संकट की घड़ी में लाखों बेबस परेशान लोगों को अपने घर पहुंचाया, लेकिन निजीकरण का खतरा उसके सर भी मंडरा रहा है। वहीं संकट की घड़ी में सरकारी कंपनियों ने लोगों की बहुत मदद की। जहां सरकारी अस्पतालों में लाखों लोगों का इलाज मुफ्त में हुआ, तो वहीं कई निजी अस्पतालों ने इस घड़ी में भी अपना मुनाफा देखा। वहीं ONGC के पैसे से ही भारत सरकार ने कई कंपनियों के नुकसान की भरपाई की। हालांकि अब यही ONGC संकट में है। जब बैंकिंग सेक्टर में संकट आया तो IGBI और यस बैंक को सरकार ने LIC की मदद से ही बचाया, लेकिन अब उसी LIC की 25% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है। ऐसे में सवाल यही कि अगर निजीकरण होता है तो क्या यही निजी कंपनियां भविष्य में आने वाले किसी ऐसे ही संकट के वक्त बिना अपना नफा नुकसान देखे देश की आम जनता के लिए काम कर पाएगी? यही एक सवाल है जिसने लोगों को परेशान कर रखा है, और शायद यही वो सवाल था जिसके चलते आज़ादी के बाद देश की सत्ता में काबिज नई नवेली सरकार ने देश में कई क्षेत्रों को सार्वजनिक रखा, उसकी बागडोर अपने हाथ रखी। पूंजीपतियों को लेकर एक आम राय लोगों के बीच बनी हुई है कि ये सिर्फ मुनाफे के लिए काम करती है। हालांकि ये काफी हद तक सही है। वो निजी कंपनियां ही क्या जो कोई भी काम करने से पहले अपना प्रॉफिट ना देखे। कहीं भी निवेश करने से पहले निजी कंपनियां अपना मुनाफा देखती है। ऐसे में सवाल यही कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जहां प्राइवेट कंपनियों को सिर्फ घाटा ही होता, क्या वो निवेश करती? तो शायद नहीं। और देश में ग्रामीण इलाकों में जो थोड़ा बहुत विकास हुआ, शायद वो भी ना होता। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका दूसरा पहलू ऐसे समझिए। आजादी के बाद समय के साथ सरकारों ने देश में निवेश का रास्ता खोला, विदेशी कंपनियों को निवेश का मौका दिया गया। परिणाम ये हुआ कि देश के विकास ने गति पकड़ी, देश विश्व के तमाम अन्य विकसित और विकासशील देशों के साथ खड़ा हो गया। लेकिन इससे ज्यादा विकास हुआ शहरों का। हालांकि सरकारी कंपनियों के अंदर ग्रामीण इलाकों में भी विकास होता रहा, लेकिन रफ्तार कम थी। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार प्राइवेट कंपनियों को नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मुनाफा देखने वाली प्राइवेट कंपनियों ने ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपने तरीके से काम किया। वो बात अलग है कि प्राइवेट कंपनियां शहरों तक सीमित रही, जहां मुनाफा कमाना आसान है। वही सरकारी तंत्र ने काम किया ग्रामीण इलाकों में, जहां विकास हुआ लेकिन शहरों की तुलना में काफी कम। इस बात से कोई दो राय नहीं कि ग्रामीण इलाकों में मुनाफा कमाना आसान नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में धीमी रफ्तार के लिए जिम्मेदार सरकारी तंत्र की सुस्ती, सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, घूसखोरी भी है। ऐसे में निजीकरण का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि निजीकरण से विकास में तेजी आएगी, घूसखोरी कम होगी, जो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, हर उस क्षेत्र का निजीकरण करना जिस पर देश की आम जनता निर्भर है, वो जरूर आने वाले वक्त में परेशानी का सबब बन सकता है।
क्योंकि उस देश में जहां देश की आधी आबादी सरकारी तंत्र सरकारी सेवाओं पर निर्भर है, उस देश में बैंक, रेलवे और अन्य सरकारी सेवाओं का निजीकरण कर उस जनता को एक तरह से पूंजीपतियों के हाथों सौंप देना एक चुनौती भी है और आने वाले भविष्य के लिए खतरा भी। तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए खबरी चौक, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।